वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे को क्या दिखाना है पता है, ये हमारे घर पे है, ये मतलब ये खाना बिना बना दिया अभी दो तीन दिन पहले, बट शी इज़ द वन जो मैं सब बचपन में मेरे को नहलाने का और मेरे को इसके आज का खाना बहुत पसंद है। तो अभी ये मेरे को बोल रही थी हमारे मतलब घर के नीचे जगह खाली है, तो इसने बोला उधर खाना वाली बना देते, तो मतलब खाना ये बनाएगी, फिर दादी उधर है, दादी हिसाब संभालेगी सब, और एक मतलब एक मेड है जो सब क्लीनिंग वीनिंग करते हैं ना, उसकी आवाज़ जैसे बहुत ज़्यादा ही बोल्ड है और चिल्लाती है बार बार, तो उसको हम रखेंगे मार्केटर, वो ऐसा चिल्लाएगी हाँ बर रे खाना खाने आओ, ऐसा बना और बस ऐसा इधर एक ऐसा हमारा खाना वाली का प्लान बन रहा है, एकदम प्रॉपर साउथ इंडियन खाना बिना बनेगा। ये मजाक चल रहा है, कुछ सीरियसली मत लो, लेकिन अब मेरे को आधे घंटे में निकलने का है, जो मैंने बोला ना कल के व्लॉग में कुछ बहुत एक्साइटिंग अपन करने को जा रहे हैं, तो उधर अपने को जाने का है। बाबा मैं अभी इधर मतलब घर से निकल के ऐसा सिटी के आउटस्कर्ट्स एरिया तक मैं आ तो गया हूँ, वो इसके लिए जो मैं बोला ना जहाँ मैं अभी टाइटल से तो तुम समझ गए होगे, लेकिन मेरे को तो भी ऐसा सस्पेंस रखने का है, मालूम नहीं काहे को। तो अभी यहाँ पे वो जो हमारा मिल्कमैन है जिसके वहाँ पे मैं जा रहा हूँ उसका वेट कर रहा हूँ, वो आएगा मेरे को लेके जाएगा उसके फार्म पे या उसके घर पे जहाँ वो जहाँ उसकी गाय या भैंस जो भी है, देना मन मज़ा आएगा रे पटे। और एकदम ऐसा ट्रिप वाला फीलिंग आ रहा है ना कि ऐसा कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन मज़ा आएगा क्योंकि कुछ तो अपन अलग करने को जा रहे हैं। एंड ये हमारा जो सामने जा रहा है वो मिल्कमैन है, तो हम अभी उसके पीछे पीछे वो जान लेके जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। इट इज़ ऑल गुड, यहाँ अंकल का ग्रेप्स का गार्डन भी है, मतलब गार्डन मतलब फार्मिंग है, तो मेरे को फार्मिंग क्या पूरा उनका फार्म का एक टूर दे रही तो बड़ा हमारे। ये इधर गाया है तो सही, इसका नीचे का एकदम ऐसा पंप्ड है, मतलब दूध एकदम ऐसा भरा हुआ है, ये लात मारेगी ना मर जाएगा मैं सीधा आउट। ये पहले क्लीन करने का क्या पूरा मेरा चांस है, मतलब अंकल उस साइड से निकाल रहे हैं, मेरे को इस साइड से निकालने का। अंकल यहाँ आंटी कर रहे तब तो इतना फटाफट दूध निकल रहा है, मैं निकल रहा हूँ तब क्या पता इसको दूध का एक को नहीं निकालने का, नहीं मतलब अपने को आता नहीं है, बट आंटी कर रहे तब तो बहुत फटाफट आ रहा है। वाह ये अभी सेकंड गाय है जिसका मैं सब दूध निकाल रहा है, ट्रेंड हो गया मैं, तुम्हारे घर पे गाय भी रहेगा निकालने का रहेगा तो मेरे को बोलो
जो मैं अभी दूध निकाला ना वो हमको दिया है गरम घर के और बिस्किट। मतलब अभी मेहनत किया तो मेहनत का फल चाहिए ना, तो अभी मेहनत किया तो फिर ज़्यादा ही गर्म है लेकिन सब मेहनत का फल दिया है। थैंक यू अंकल। विलेजेस में भाई मस्त रहते हैं तो हाय बाय। अभी पहले तो अपने को रास्ता निकाल के मैं सिटी में थोड़ा पहुँचने दो, फिर मैं तुमको बताता हूँ क्या एक्सपीरियंस था, मतलब मज़ा आ गया। और लास्ट में वो दूध जो पिलाया ना उसका क्या स्पेशलिटी है क्या था वो मैं बताता हूँ। थोड़ा इस सिटी से अपन मतलब सिटी क्या विलेज से निकल के सिटी तक पहुँच जाएंगे ना फिर मैं बता पाऊँगा। अवा मैं अभी उधर निकल के सिटी में आया लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या मज़ा आया ना। मतलब वो दूध वगैरह निकालने में अलग लेवल का मज़ा आया। मतलब कुछ तो ऐसा अलग सीखा कुछ अलग, मतलब सी यू कैन लर्न एनी थिंग फ्राम एनी बॉडी, नहीं मतलब यू कैन लर्न समथिंग फ्राम एवरी बॉडी। तो ऐसा अपने दूध वाले के साथ अपन ने वॉच कैसे निकालते सीखा, मज़ा आया रे मेरे को। ऐसा हाथ बहुत दुखता है क्योंकि अपने को प्रैक्टिस नहीं है लेकिन मज़ा आया। फिर मैं बताया ना जो हमारे दूध का दूध जो हमने निकाला उसे बना गरम करके ऐसा बिस्किट के साथ वगैरह दिया, क्या अलग ही टेस्ट आ रहा था। मैं मतलब माँ कसम बोल रहा हूँ आज तक मैंने वैसा नहीं पिया रहेगा, एकदम अलग सच्ची में। मतलब ऐसे हर रोज़ पीते उसका फ्लेवर अलग आता है, आज बना के पिया उसका फ्लेवर अलग आया। फिर अंकल ने हमको थोड़ा सा सब्जी विब्जी भी दिया उनके खेत से निकाल के सब्जी वगैरह दिया, तो ऐसा अच्छा। सी इट इज़ ऑल लव दैट यू नो यू डू। उनको कोई अगर तुम किसी और में सिटी में किसी को जाके पूछोगे पहली बात तो ना बोलेगा, दूसरी बात अगर उसने हाँ भी बोल दिया तो पैसा वैसा पूछेगा, तो बोलोगे कि वीडियो वगैरह बनाना है तो पैसा वैसा पूछेगा, बट दिस इज़ जस्ट प्योर लव। लेकिन इतना मज़ा आया ना, अंकल ने तो मेरे को बोला है कि अगली बार उनका ग्रेप्स का अगर जब उगाया आएगा तब हमको बुलाएंगे खाने के लिए अगर मस्त। तो अभी तो पहले सबसे पहले कैफ़े जाने का, फिर आज एक पार्टी है मेरे कज़िन की तो वहाँ पर जाने का है। बट मज़ा आया ऐसा दूध निकालने में, फटे मज़े आए। कैफे वो अगर हुआ फिर वो पार्टी पे जाने का, लेकिन पार्टी का थीम रेड कलर है तो पहले अभी फिर मैं घर तक नहीं जाऊँगा, तो मैं टी शर्ट पहले ही ला दिया था। इधर ही कार में फटाफट चेंज करके यहीं से जाएंगे, तो अभी मेरे को पहला चेंज करने को दो। तड़ा ऐसा इसमें पूरा दिन गर्मी होता था, गर्मी हो सकता था मतलब मैं थक जाता तो फिर इसलिए मैं पहले सुबह ही लेके निकल गया था एकदम टकाटक अभी रेडी। पहला अभी फटाफट उधर पार्टी पे जाने का। बहुत भारी लगा जो लिखा हुआ हैप्पी 21st साक्षी, ऐसा कस्टमाइज्ड बनाया बहुत सही लगा मेरे को। ये केक भी दिखने में भारी है, मेरे हाथ में तो स्मोक बम पकड़ा दिया, मैं तो दिमाग खराब करेगा लोगों का। ये देखो ये फोन की सिचुएशन देखो टूटेला फोन। अब मैं अभी घर को आया और तुम मानोगे नहीं, मतलब पार्टी में तो सब दबा के खाया पिया बट जो इतना मज़ा आया ना कुछ ऐसा अलग करने में, और जो दूध का वगैरह मैं निकाला ना ऐसा बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर रोज़ कुछ तो ऐसा ढूंढूँ कुछ नया जो मैंने कभी नहीं किया, दूध निकालने का हो गया या फिर कोई पेंटर के साथ या इलेक्ट्रीशियन या कोई मैन ऐसा कुछ तो कुछ अलग अलग। लेकिन मज़ा आया आई रियली होप तुमको भी मज़ा आया। एंड कुछ और क्या, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, टेक केयर, हैव फन।